राजमा चावल तो हर घर में बनता है और सबकी अपनी रेसिपी होती है, तो आज हम मेरे तरीके से बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है, तो रेसिपी को पूरा देखें और इसको ज़रूर ट्राई करें। तो सबसे पहले हम एक कप में राजमा लेंगे और उसमें पानी डाल के ओवरनाइट सोख होने देंगे। आप जब भी राजमा बनाएं तो अच्छे से सोख होने दें, नहीं तो राजमा इवेनली कुक नहीं होगा। राजमा अच्छे से ओवरनाइट सोख हो गया है तो अब हम इसको बॉयल कर लेंगे। राजमा कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर 2 कप जितना पानी डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, कुछ खड़े मसाले, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। कुकर को बंद करके 4 से 5 सीटी आने तक कुक होने देंगे। प्रेशर रिलीज होने पे चेक करेंगे। राजमा बहुत अच्छे से बॉयल हो गया है तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। कढ़ाई में तेल डाल के गर्म होने देंगे। 1 टेबलस्पून जितना जीरा डालेंगे और चटकने देंगे। चॉप किया हुआ अदरक डालेंगे, मिक्स करेंगे। कटा हुआ बड़ा 2 प्याज डालेंगे। एक बार अच्छे से चला लेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। ये गोल्डन ब्राउन हो गया है तो अब हम इसमें कटी हुई कुछ हरी मिर्चें डालेंगे। एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, सबको मिक्स करेंगे। टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले जले नहीं। अच्छे से मिक्स करेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, एक बार चला लेंगे और कवर करके मसालों को पकने देंगे जब तक किनारों से तेल निकल ना जाए। 10 मिनट बाद इसको चेक करेंगे, अच्छे से चला लेंगे और 1 चम्मच घी डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मिक्स करेंगे और 5 मिनट और फ्राई करेंगे। मसाले बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है तो अब हम इसमें बॉईल किए हुए राजमा डालेंगे। मिक्स करेंगे और कवर करके 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पे अच्छे से बॉईल होने देंगे। 20 मिनट बाद इसको चेक करेंगे, राजमा बहुत अच्छे से कुक हो गया है और देखने में तो बहुत ही लाजवाब दिख रहा है। गैस बंद करने से पहले गरम मसाला डालेंगे और चॉप किए हुए धनिया पत्ता डालेंगे, मिक्स करेंगे और गैस को बंद कर देंगे और कवर करके इसको साइड में रख देंगे। अब चलते हैं राइस बनाने की तरफ। एक पैन में मैंने 2 ग्लास पानी डाला है और इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। सेम उसी ग्लास से 1 ग्लास राइस लिया है, इसको मैंने पहले ही वॉश करके रख दिया था। पानी में बहुत अच्छे से बॉयल आ गया है तो अब हम इसमें वॉश किए हुए चावल डालेंगे। एक बार अच्छे से फैला देंगे और कवर करके 15 मिनट तक इसको अच्छे से पकने देंगे। फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम रखा है और 15 मिनट बाद राइस बहुत अच्छे से कुक हो गया है तो अब हम राजमा के साथ इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। राजमा को स्टीम राइस के साथ सर्व करें, ये बहुत अच्छा टेस्ट जाता है। और साथ में मैंने यहाँ पे कटी हुई प्याज और हरी चटनी ऐड किया है जो कि कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है खाने में। फ्रेंड्स, एक बार आप इस तरीके से राजमा बना के देखें, आपको बहुत पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए ना जाएँ ताकि आपसे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना हो जाए। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।